मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं। उस काम में लगा हूं। कि हम जब खाना खाते हैं, खाना सारा पेट में इकट्ठा होता है, एक स्थान है उसको जठर कहते हैं। जठर स्थान पे खाना जब आता है तो अपन अपने आप अग्नि जलती है, उसको जठर अग्नि कहते हैं। खाना खाते ही पेट में अग्नि है, वो जठर अग्नि है। अग्नि जलती है तो खाना पचता है, अग्नि नहीं जलती तो खाना नहीं पचता। तो आपने खाना खा लिया, पेट में अग्नि जली, अग्नि ने जैसे ही जलना शुरू किया आपने पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, चिल्ड वाटर, फ्रिज से निकाल के बोतल गटक लिया। अब क्या होगा, अग्नि बुझ गई, अग्नि बुझ गई तो खाना नहीं पचेगा, तो खाना सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना 103 बीमारियां पैदा करे। सबसे ज्यादा बीमारियां इसी में आती है, इसलिए बागवती जी ने पहला सूत्र ये लिखा, भोजनान्ते विषम वारी, खाने के बाद पानी नहीं पीना। तो आप बोलेंगे कब पीना, खाना जब आप खाते हैं तो अग्नि जलने की जो क्रिया है वो एक घंटे से शुरू होकर 1.5 घंटे तक चलती है। खाना खाने के बाद अग्नि जलने की क्रिया 1 घंटे से 1.5 घंटे तक चलती है और 1.5 घंटे के बाद वो अपने आप शांत हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, अग्नि जब शांत हो जाती है तो जो आपने खाया है उसका रस बनना शुरू होता है। ये रस बनने की क्रिया लगभग और 1 से 1.5 घंटे चलती है। फिर रस बनने के बाद क्या होता है, रस बनने के बाद खाने का मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मल, मूत्र, अस्थि और मेद बनना शुरू होता है और ये क्रिया 5 दिन तक चलती है। आज आप जो खाना खाएंगे ना, आज का खाना 5 दिन तक डाइजेस्ट होता है, अभी खाया तो 5 दिन तक। और इस पूरी क्रिया में हमें जो सबसे महत्व की बात जाननी है वो ये कि सबसे ज्यादा और सबसे आसानी से बनता है मांस और सबसे कम और सबसे देर में बनता है वीर्य। मांस सबसे ज्यादा, वीर्य सबसे कम। आपको सुन के ताज्जुब होगा, बागभट्ट जी ने एक जगह लिखा और आज की आधुनिक विज्ञान ने उसको सिद्ध किया, वो ये है कि आज तारीख 19 जुलाई को आप जो खाना खाएंगे इसका वीर्य बनने के लिए 1 महीना खर्च होगा। अगले महीने 20 अगस्त को बनेगा, आज जो खाया 30 दिन लगते हैं और सबसे कम बनता है, सबसे ज्यादा समय लगता है, सबसे कम बनता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया वीर्य बहुत कीमती है, इसलिए उसको नष्ट नहीं कर सकते, इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करने की कल्पना इस देश में। ये मैंने इसलिए जानकारी दी कि आप योग शिक्षक हैं, आपको पता होना चाहिए, कभी कोई बात आ जाए तो आप समझा सकते। तो हमने खाना खा लिया, आग जली, खाने को पचाने के लिए 1 घंटे 30 मिनट तक जलेगी, तब तक पानी अगर आपने पिया तो आग बुझेगी, आग बुझेगी तो फिर आगे की क्रिया रुकेगी। इसलिए आगे की क्रिया ना रुके, आग ना बुझे तो सरल बात कही गई, खाना खाने के बाद पानी ना पिए 1 घंटे से 1.5 घंटे का। तो आज के बाद आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप योग शिक्षक हैं या योग साधक हैं, दोनों को ही मेरी प्रार्थना है कि इस नियम का पालन करें, खाना खाने के 1 घंटे से 1.5 घंटे के बाद पानी पिए। 1 घंटा किसके लिए और 1.5 घंटा किसके लिए, 2 शब्द में बोल रहा हूँ, 1 से 1.5 घंटा। 1 घंटा उनके लिए है जो एकदम स्वस्थ है, जिनको लगता है कि वो स्वस्थ है, उनको कोई तकलीफ, उनके लिए 1 घंटा, और जो बीमार मानते हैं अपने को वो 1.5 घंटा। तो आप स्वस्थ हैं तो 1 घंटे बाद पानी पी लीजिए खाने के, और थोड़े बीमार हैं तो 1.5 घंटे के बाद पी लीजिए, लेकिन 1.5 घंटे के बाद पीना ही है, ऐसा नहीं कि भूल जाए, तब एक और गड़बड़ आएगी। क्यों गड़बड़ क्या आएगी, खाना जो पचने की क्रिया मैंने कहा ना, पहले खाना पचता है, आग जलती है तो वो खिचड़ी जैसा बनता है,
फिर रस बनना शुरू होता है। जब रस बनेगा तो पानी चाहिए, बिना पानी के रस कैसे बनेगा? तो पानी जिस समय चाहिए तभी पीना अच्छा है। तो एक डेढ़ घंटे के बाद रस बनना शुरू होगा तो पानी पी लीजिए। तो पानी पीने का ये नियम है। मैं फिर से दोहराता हूं, खाना खाने के एक से डेढ़ घंटे के बाद पानी पिए, ठीक है। अब इसमें आप प्रश्न कर सकते हैं कुछ कि खाना खाने के पहले पिए क्या, खाना खाने के बीच में पिए क्या? खाने के पहले पानी पी सकते हैं, आयुर्वेद में कहा गया 48 मिनट पहले पिए। क्यों? जब आप पानी पीते हैं तो पेट में पानी जाता है, तो पानी का अंतिम स्थान है मूत्रपिंड, पहला स्थान है मुंह, जहां से ये जाना शुरू होता है, अंत में आता है सारा पानी मूत्रपिंड में, फिर उसके बाद ये मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है। तो मूत्रपिंड में पानी पहुंचने के लिए 48 मिनट लगता है। तो आप खाने के पहले 48वें मिनट में पानी पी सकते हैं। बीच में पानी कब पिए खाने में? जब आप दो अन्न का खाना खाएं, गेहूं की रोटी खाएं और चावल खाएं, दो अन्न का खाना है, तो आप गेहूं की रोटी खाने के बाद और चावल खाने से पहले थोड़ा पानी पिए। कितना पिए? 3-4 घूंट बस, ज्यादा नहीं। और इसमें आखिरी जानकारी कि खाना खाने के बाद अगर सच में प्यास लग रही है तो क्या पिए? तो आयुर्वेद में कहा गया 3 चीजें पी सकते हैं। दही की लस्सी पिए खाना खाने के तुरंत बाद, दूध पिए गाय का हो तो बहुत अच्छा, और जूस पिए फल के रस पिए। खाने के तुरंत बाद अगर प्यास लगती है तो जूस पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं और दूध पी सकते हैं। जूस पीने का समय है सवेरे, लस्सी पीने का समय है